समस्त देशवासियों को प्यार हो रहा। नमस्कार, मैं दरवान परिवार गाइड कहते हूँ। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइड, एक छोटी सी प्यारी सी रेसिपी आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंटल से, जो कि हेड सेफ है, मास्टर सेफ है। तो कुछ बताइएगा सिर्फ साहब अपने बारे में। नमस्कार, मैं हूँ तेजानी और आप लोग मेरे को यूट्यूब में देखे भी होंगे और मैं एक शेफ भी हूँ जी। मैं एक रेसिपी बनाया था जो मोजिला स्टेप चिकन पोलो था जी। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और कैसे उसको रेसिपी क्या है पूरी डिटेल में बताया जाएगा आपको। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है और क्या क्या सॉसेस हम यूज करेंगे, सब कुछ पूरी डिटेल में बताएंगे आपको पूरे प्रोसेस के साथ। और घर पर भी आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आप ये डिश को पूरा कम्प्लीट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड, ये बनने को जा रहा मुजरेला चिकन स्टफ, जिसके लिए ब्रेस्ट पीस चिकन का लिया जाएगा। उसको दो भागों में काटा जाएगा, देख सकते हो किस तरह से काटा जाता है। फिर जाके इसको हैमर से खोंचा जाएगा, जो कि चिकन के रेसे जो होते हैं गाइस, अच्छे से खोंचे जाएगा। फिर जाके रेड येलो कैप्सिकम, जो कि वेजिटेबल सोते के लिए जूलियन कटिंग में काटा जाएगा, इस तरह से देख सकते हो। और इसको सोते करने के लिए सबसे पहले बटर और ऑयली ऑयल, जो कि पैन में थोड़ा सा कुक होने के बाद गार्लिक फाइन चॉप ऐड किया जाएगा, जो कि देख सकते हो किस तरह से ऑयली ऑयल थोड़ा सा ऐड किया गया और बटर, इसमें थोड़ा सा गार्लिक चॉप। तो फ्रेंड, धीमी आंच में कुक कीजिएगा ताकि आपका वेजिटेबल बहुत अच्छे से कुक हो, बहुत अच्छे से तैयार हो। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद गार्लिक को फिर जाके इसमें वेजिटेबल ऐड किया जाएगा, जो कि लाल पीला रेड येलो कैप्सिकम है। इसको सोते किया जाएगा और इसमें मसाले सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चिल्ली फ्लेक्स सॉल्ट ऐड किया गया, जो कि टेस्ट अकॉर्डिंग। और इस तरह से चिकन ब्रेस्ट में स्टफ किया गया, देख सकते हो किस तरह से स्टफ किया जाता है गाइस। और स्टफ करने के बाद इसको रोल बनाया जाएगा, जो कि वेजिटेबल अंदर से स्टफ है। और इसको रोल करने के बाद फिर जाके इसको क्लीन फाइल में इस तरह से रोल बना के इसको बॉयल करने के लिए, जो कि गर्म पानी में पैन में बॉयल किया जाएगा, जो कि देख सकते हो इस तरह से रोल बनाया जाता है गाइस मुजरेला चिकन स्टफ के लिए। और सिल्वर फाइल से इसको और अच्छे से रोल बना के दोनों तरफ से अच्छे से, ताकि आपका वाटर में जब बॉयल होगा तो पानी अंदर ना ही घुसे। तो इस तरह से और वेजिटेबल इसमें ऐड किया जाएगा, झुगनी है, रेड येलो कैप्सिकम है और ब्रोकली है, जो कि सभी इंग्लिश वेजिटेबल है। और इसको फिर बॉयल किया जाएगा, जो कि देख सकते हो सारे वेजिटेबल इंग्लिश वेजिटेबल हैं, जो कि डाइस में कटिंग किया गया। अब इसको सोते करेंगे सबसे। तो गाइस, ये बन रहा पार्सले राइस, जिसके लिए सबसे पहले बटर ऐड किया गया। बटर ऐड करने के बाद गार्लिक चॉप हल्का सा कुक ब्राउन होने के बाद फिर जाके राइस ऐड कर लिया गया। राइस ऐड करने के बाद सॉल्ट, वाइट पेपर और बटर में अच्छे से सोते कर लिया। फिर जाके हमारा मोजरेला चिकन स्टफ पूरा तैयार होगा। तो राइस भी जाएगा गाइस इसके साथ, जो कि कॉन्टिनेंटल डिश है और हमारे कॉन्टिनेंटल शेफ बना रहे, बहुत अच्छे से राइस को कुक कर रहे हैं। और फाइनली राइस भी तैयार हो चुका है, उसको सू बॉल में रखा गया ताकि अच्छे से सर्व करते समय बहुत अच्छे से खांचे के हिसाब से उसको प्लेट में रखा जाएगा। और साथ में मुजरेला स्टफ चिकन जाएगा, जो कि मुजरेला चिकन हमारा बॉयल हो चुका है। अब उसको अच्छे से किस तरह से मैकिंग किया जाता है, सबसे पहले जिंजर गार्लिक चॉप और ऑयली ऑयल में और बाकी वेजिटेबल
जो कि देख सकते हो सारे इंग्लिश वेजिटेबल हैं। और मसाले में सॉल्ट, मिक्स हर्ब्स और चिल्ली फ्लेक्स, टेस्ट अकॉर्डिंग सभी मसाले डालने के बाद इस तरह से हमारा वेजिटेबल सोते हो चुका है। और मुजरेला चिकन को भी हल्का सा कुक किया जा रहा है, जो कि ऑयली ऑयल और गार्लिक चॉप है। अब इसके साथ थोड़ा सॉस ऐड किया जाएगा गाइस, जो कि ब्राउन सॉस बन रहा हमारा। तो गाइस आप लोगों को अगर ब्राउन सॉस कैसे बनाया जाता है, आप लोगों को फुल रेसिपी अगर ज़रूरत हो तो हम अगले वीडियो में ब्राउन सॉस की रेसिपी आप लोगों तक शेयर करूंगा। और इस तरह से फाइनली हमारा मुजरेला चिकन स्टफ तैयार हो चुका है, जो कि देख सकते हो किस तरह से सेब इसको खांचे के में अच्छे से मिला के अच्छे से प्लेट में सर्व किया जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से सेब बहुत अच्छे से पार्सले राइस तैयार हो चुका है, जो कि देख सकते हो किस तरह से हमारे कॉन्टिनेंटल से खांचा बना रहे हैं, जो कि सिल्वर फाइल के अंदर रखा गया, फिर जाके उनको इस तरह से प्लेट में मुजरेला चिकन और वेजिटेरियन और पार्सले राइस एक साथ जाएगा। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ दरवान भोरीवाल को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक नए नए फूड ब्लॉग यूं ही लाते रहें। तो फाइनली गाइस देख सकते हो मुजरेला चिकन किस तरह से तैयार होने के बाद, स्टफिंग और टोटल कुक होने के बाद इसको स्लाइस में काटा जा रहा, जो कि देख सकते हो एक साइड से पार्सले राइस है, एक साइड से मुजरेला स्टफ चिकन है और वेजिटेबल है, जो कि इंग्लिश वेजिटेबल सारे हैं। और इसमें ऊपर से ब्राउन सॉस जो है उसको डीप किया जाएगा, तब जाके हमारा मुजरेला चिकन स्टफ पूरा बन के तैयार होगा, जो कि न्यू फूड है। आज ये न्यू रेसिपी निकाला गया कॉन्टिनेंटल से में, जो कि एज ए जी एम साहब के। तो गाइस फाइनली मुजरेला चिकन स्टॉक और टोटल बन के तैयार हो चुका है, जो कि टेबल के लिए सर्व किया जाएगा थोड़ी देर में। अब इसमें ब्राउन सॉसेस ऊपर से डाला जाएगा, जो कि हमारा ब्राउन सॉस बन के तैयार है। और इस तरह से देख सकते हो कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है, पार्सले राइस विथ वेजिटेबल और मुजरेला चिकन स्टफ, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा मुजरेला चिकन स्टफ, जो कि सॉसेस ब्राउन सॉस देख सकते हो गाइस मुजरेला चिकन के ऊपर अच्छे से लेयर करके डाला जा रहा। और हमारा रेस्टोरेंट है माधुरी रसोई के नाम से, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, आप लोग भी विजिट कीजिएगा। यहाँ पर मल्टी किचन है गाइस, तंदूर, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल चारों डिपार्ट हैं। तो आप लोग भी आइएगा, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे रेस्टोरेंट में। आजमगढ़ में पड़ता है, माधुरी रसोई के नाम से रेस्टोरेंट है। तो गाइस इस तरह से मुजरेला चिकन स्टफ बन के तैयार हो चुका है, जो कि टेबल के लिए सर्व होने को जा रहा। और तो देख सकते हो कितने अच्छे से गार्निशिंग और बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, मात्र 10-15 मिनट में ये डिश बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, घर में भी बना सकते हो। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो अपने उत्तराखंडी भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि नए नए फूड ब्लॉग आप लोगों तक लाते रहूं। और यूं ही हमेशा प्यार दीजिएगा। तो फाइनली तैयार हो चुका है मुजरेला स्टफ चिकन, अब इसको सर्व किया जाएगा। और इस तरह से देख सकते हो गाइस कितना सुंदर और कितना अच्छे से मैकिंग हो रखा है, और गार्निशिंग तो देख सकते हो कितने अच्छे से कर रखे हैं कॉन्टिनेंटल से। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत सरल और बहुत अच्छे से बना सकते हो।
क्योंकि रेसिपी बहुत कॉमन है, आप लोग घर में भी बना सकते हो इसी तरह से। और ऊपर से डेकोरेशन के लिए जो कि मैदे का बनाया गया है, ऑयल में फ्राई करके इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और बहुत सुंदर डिश बन चुका है, कॉन्टिनेंटल आजकल के टाइम हर किसी को पसंद है, तो आप लोग भी विजिट कीजिएगा हमारे रेस्टोरेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और तो गाइस यहीं पर अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।